हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। हम सभी कभी ना कभी इस सिचुएशन से तो गुजरे ही हैं, हम सभी को कभी ना कभी हिचकी आती है और एकदम से आने लगती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या कारण है जो हमें एकदम से हिचकी आती है? तो चलिए इसी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के थ्रू। हमारी बॉडी में एक डायफ्राम नाम का ऑर्गन पाया जाता है जो कि हमारी छाती से नीचे और पेट के ऊपर के जो बीच का हमारी मसल्स होती हैं, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि प्लेट्स की तरह काम करती हैं, इन्हें हम डायफ्राम का नाम देते हैं। और ये जो डायफ्राम है ये पिस्टन की तरह काम करती हैं। जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग हमने देखा है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। तो जिस टाइम ऑक्सीजन जो है वो हवा के रूप में अंदर आती है तो ये जो हमारा डायफ्राम है ये नीचे चला जाता है और हमारे पेट को दबाता है, जिसके कारण सारी हवा हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों में भर जाती है। और इसी प्रकार जब हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, तो ये जो डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसके कारण लंग्स में फिल हवा बाहर आ जाती है। इन शॉर्ट अगर हम बोलना चाहें तो ये जो डायफ्राम है ये एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग एक पिस्टन की तरह काम करता है, एक पिस्टन की तरह ये ऊपर नीचे होता है। अब ये तो हमने बात की है कि डायफ्राम कैसे ब्रीदिंग में अपना रोल प्ले करता है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर हमें हिचकी क्यों आती है? कभी कभी पेट में गैस यानी कि एसिडिटी हो जाती है तो इसके कारण भी ये जो हमारा डायफ्राम है ये सिकुड़ जाता है। और इसके सिकुड़ने से क्या होता है, जो बाहर रिलीज होने वाली हवा होती है उसमें प्रॉब्लम आती है और इसी कारण ये जो हवा है ये एक आवाज़ के साथ बाहर आती है, जो कि हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं और इन्हीं वोकल कॉर्ड्स के बंद होने के कारण ये आवाज़ होती है, जिसे हम हिचकी का नाम देते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हिचकी आती है। एक्चुअल में ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जब ये जोर से बंद होंगे, मतलब कि जब एकदम से बाहर हवा आने की कोशिश करती है लेकिन हवा बाहर नहीं आ पाती है और वोकल कॉर्ड्स बंद होते हैं, तो एज ए रिजल्ट जो आवाज़ आती है, जो हमारे गले से साउंड निकलती है, उसी साउंड को हम हिचकी का नाम देते हैं। इसके अलावा जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं या ज़्यादा स्पीड से खाते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है हिचकी का। तो इस तरह से हमने देखा कि एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग ये जो हिचकी है ये कैसे होती है, क्यों होती है। और हमने ये भी देखा है कि कभी कभी ये जो हिचकी है ये अपने आप ही थोड़ी देर के बाद बंद हो जाती है, लेकिन जब लंबे समय तक हमें हिचकी रहे तो हम कुछ नुस्खे अपनाते हैं जिसके कारण ये जो हिचकी है ये बंद हो सके। कौन कौन से हम घरेलू नुस्खे अपनाते हैं इसके साथ आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू ये बताइएगा कि जिस टाइम आपको हिचकी आती है तो आप इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, कौन सी टेक्निक अपनाते हैं। सबसे पहला जो तरीका है हिचकी को रोकने का वो है ठंडा पानी। जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो ठंडे पानी के इफ़ेक्ट से ये जो हमारा डायफ्राम है ये ऊपर नीचे बिल्कुल सामान्य रूप से अपना फंक्शन करता है और हिचकी जो है वो अपने आप बंद हो जाती है। और दूसरे तरीके की बात करें तो हमने देखा होगा जब भी हमें कोई एकदम से डांटता है या कोई ऐसी बात करता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, तो ऐसा भी देखा गया है कि इसके कारण भी जो हिचकी है वो रुक जाती है। और इसके बाद अगला तरीका देखें तो ऐसा भी देखा गया है कि जब हम ज़्यादा देर तक सांस रोकने की कोशिश करें या सांस रोकते हैं तो इससे भी हिचकी रुक जाती है। और इसके अलावा अगर हम किसी एक जगह पर कंसंट्रेट करते हैं तो एज ए रिजल्ट इससे भी जो हिचकी है वो रुक जाती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश की कि हिचकी क्या है, क्यों होती है और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस हिचकी को रोक सकते हैं। वैसे तो ये हम अपनी धारणाएं हैं हमारी जिसके थ्रू हम मानते हैं कि इसको रोका जा सकता है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में अभी तक इसका कारण अननोन है। अभी तक ये जानकारी कम्प्लीटली नहीं मिल पाई है कि एक्चुअल में हमें हिचकी क्यों आती है। माना जाता है कि इवोल्यूशन के साथ ये जो हिचकी है ये नॉन फंक्शनल है,
मतलब पहले इसका हमारी बॉडी में कोई ना कोई इम्पैक्ट था, कोई ना कोई इसका फंक्शन था, लेकिन इवोल्यूशन के साथ इसका जो फंक्शन है वो खत्म हो चुका है। लेकिन ये सब धारणाएं हैं, लेकिन अभी तक साइंस इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जान पाई है। इतना इंटरेस्टिंग है कि ये छोटी सी चीज जो हमारी बॉडी में होती है एकदम से आती है और एकदम से चली जाती है, अभी तक हम इसका साइंटिफिक आंसर नहीं ढूंढ पाए हैं। अगर इसके अलावा आपको भी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स के थ्रू जरूर हमारे साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, और ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट तो कर ही सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो या काफ़ी हेल्पफुल हो या काफ़ी फ्रूटफुल हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे जब भी हमको यहाँ पर न्यू वीडियो अपलोड करें, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई न्यूज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड हो, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में कुछ न्यू अपडेट के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।